बिगिनर्स, हेलो बिगिनर्स, टुडे वी सी नॉर्मल नॉर्मलाइजेशन विथ टाइप्स वन। मींस इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के सिर्फ तीन ही टाइप स्टडी करेंगे। नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ डेटा इन द डेटाबेस। दिस इंक्लूड क्रिएटिंग टेबल, इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। नॉर्मलाइजेशन डिवाइड्स द लार्ज टेबल इंटू स्मॉलर एंड लिंक्स यूजिंग रिलेशनशिप। वाई वी नीड नॉर्मलाइजेशन? नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जो डेटाबेस में डेटा को ऑर्गेनाइज करती है। यूजिंग नॉर्मलाइजेशन वी कैन क्रिएट अ मल्टीपल टेबल एंड क्रिएट अ डिफरेंट रिलेशनशिप विथ टेबल एंड लिंक्स दिस टेबल इन अ वन। देर आर मेनी टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। लेट्स सी, देर आर सिक्स टाइप्स ऑफ नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड है सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड है थर्ड नॉर्मल फॉर्म, फोर्थ है बॉयस कोड नॉर्मल फॉर्म, उसे हम BCNF नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, फिफ्थ है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म एंड सिक्स्थ है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। इन दिस वीडियो में हम सिर्फ तीन ही नॉर्मल फॉर्म को स्टडी करेंगे, वो है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। लेट सी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, हर एक नॉर्मल फॉर्म की एक मेन जो कंडीशन होती है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है ईच टपल ऑफ द टेबल शुड कंटेन अ सिंगल वैल्यू। इन दिस नॉर्मल फॉर्म एवरी एट्रीब्यूट कंटेन ओनली वन वैल्यू, नॉट अ मल्टीपल वैल्यू। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है हर एक टेबल का एट्रीब्यूट है वो ओनली सिंगल वैल्यू ही कंटेन करना चाहिए। अगर वो मल्टीपल वैल्यू कंटेन करता है तो उसे हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म नहीं कह सकते। लेट सी द एग्जाम्पल। इन दिस इज अ स्टूडेंट टेबल, उसमें SID और S मोबाइल नंबर नाम के दो दो एट्रीब्यूट है। SID में जो वन नंबर की वैल्यू है वो मल्टीपल एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू कंटेन करता है, इसीलिए ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में अलाउड नहीं है। इसीलिए उसे हमें डिकम्पोज करना होगा, उसे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। लेट सी द कन्वर्टेड टेबल। दिस इज अ कन्वर्टेड टेबल। वन जो प्रीवियस टेबल में वन वैल्यू थी वो दो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यू वैल्यू कंटेन करती थी, उसे हमने डिवाइड कर दिया और सिंगल सिंगल वैल्यू कंटेन करता दिखा दिया। इन दिस टेबल एवरी एट्रीब्यूट कंटेन अ सिंगल वैल्यू। हम देख सकते हैं टेबल में सभी एट्रीब्यूट एक सिंगल वैल्यू ही कंटेन करते हैं। आफ्टर दैट वी सी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है इट शुड बी फॉलो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म एंड इट इज बेस्ड ऑन फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इन दिस फ्रॉम अ रिलेशन विथ अ प्राइमरी की कंपोज ऑफ ओनली वन एट्रीब्यूट। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को फॉलो करना चाहिए और ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म वो फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी के ऊपर वर्क करता है। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की एक मेन कंडीशन है उसमें टेबल प्राइमरी की कंटेन करता है और वो प्राइमरी की ओनली वन एट्रीब्यूट के साथ ही कनेक्ट होनी चाहिए, उसके अलावा वो मल्टीपल एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट नहीं होनी चाहिए। लेट सी द एग्जाम्पल। इन दिस एग्जाम्पल दिस इज अ टीचर टेबल, उसमें तीन एट्रीब्यूट है TID, टी सब्जेक्ट एंड टी एज। TID एट्रीब्यूट को हमने प्राइमरी की दी हुई है और वो एट्रीब्यूट दोनों टी सब्जेक्ट और टी एज दो एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट करता है, इसीलिए ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नहीं फॉलो करता। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में ये अलाउड नहीं है। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अलाउ करने के लिए हमें इस टेबल को डिवाइड हम ऐसे करेंगे कि प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट ओनली वन एट्रीब्यूट के साथ ही कनेक्टेड हो। लेट्स सी डिवाइडेड टेबल। मैंने जैसे पहले बोला था TID एक ही एट्रीब्यूट को कनेक्ट करना चाहिए, उसमें भी TID एक ही एट्रीब्यूट को कनेक्ट करता है, इसीलिए ये दोनों टेबल
इन दिस टू टेबल प्राइमरी की एट्रीब्यूट कंटेन ओनली वन रिलेशन. इन दोनों टेबल में हम देख सकते हैं टी आई डी और टी सब्जेक्ट एक ही रिलेशन करता है, टी आई डी और टी एच एक ही रिलेशन कंटेन करता है, इसीलिए इस दोनों टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अलाउ करता है. आफ्टर दैट वी सी थर्ड नॉर्मल फॉर्म. थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है इट शुड बी फॉलो फर्स्ट सेकेंड नॉर्मल. इट डज नॉट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. इन दिस फॉर्म वन एट्रीब्यूट रिलेट विथ ओनली वन एट्रीब्यूट. थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है वो फर्स्ट एंड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म भी परफॉर्म करते होना चाहिए. इसका मतलब एवरी एट्रीब्यूट कंटेन सिंगल वैल्यू, वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी. और सेकेंड एट्रीब्यूट की सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन थी प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट एक ही एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट होना चाहिए. और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की मेन कंडीशन है इट डज नॉट हैव ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. मीन्स फंक्शन मीन्स टेबल में कोई भी एट्रीब्यूट ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कंटेन नहीं करता होना चाहिए. लेट सी द एग्जाम्पल. दिस इज अ टेबल, एम्प्लॉय टेबल. एम्प्लॉय टेबल में हमने लिए है फाइव एट्रीब्यूट्स. फर्स्ट है ई आई डी, ई नेम, ई जिप, ई सिटी एंड ई स्टेट. Using EID, we can find using EID and e name, we can find e state. हम EID और e name का use करके e state को find कर सकते हैं. Without using e city, means EID and e city, EID, e name and e city are content transitive dependency. This is not allowed in the third normal form. So we have to remove transitive dependency in this table. उसके लिए हमें इस टेबल को डिवाइड करना होगा. लेट सी डिवाइडेबल टेबल. आफ्टर दैट दिस इज अ डिवाइडेबल टेबल. हम ई आई डी और ई नेम का यूज करके ई जिप ही फाइंड कर सकते हैं और ई जिप की मदद से हम ई सिटी फाइंड कर सकते हैं. इसका मतलब उस दोनों टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है ही नहीं, इसीलिए ये टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म फॉलो करता है. लेट सी समरी. ये वीडियो में हमें क्या देखा. ये वीडियो में हमने देखा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म. फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है एवरी एट्रीब्यूट कंटेन सिंगल वैल्यू. सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है जो प्राइमरी की वाला एट्रीब्यूट है वो एक ही एट्रीब्यूट के साथ कनेक्ट होना चाहिए. थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन है वो फर्स्ट एंड सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को वो फॉलो करता होना चाहिए और वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कंटेन नहीं करता होना चाहिए. थैंक यू.